हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 5.6 का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और स्टेट बोर्ड में भी पूछने की बहुत संभावना होती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। देखो, जैसे एक्स बराबर दिया है साइन क्यू टी अंडर रूट कॉस टू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि एक्स वाई तो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है, तो सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर वाई का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, और फिर फाइनली हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो इसे हमें डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, देखिए क्या लिखेंगे इसको, डी साइन क्यू टी बाय डी साइन टी, ठीक है, और इंटू हो जाएगा डी साइन टी बाय डी टी इंटू, देखो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए तो नीचे वाला से गुना करेंगे तो कॉस टू टी, यू बाय वी वाला फॉर्म हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने का। फिर माइनस करेंगे डी अंडर रूट कॉस टू टी बाय डी कॉस टू टी, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी कॉस टू टी बाय डी टू टी इंटू डी टू टी बाय डी टी इंटू, देखिए क्या हो जाएगा साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय होता है वी ए स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डीएक्स बाय डी टी इज इक्वल टू साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का कॉस टी, यहां पे देखो अंडर रूट कॉस टू टी, फिर माइनस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट कॉस टू टी इंटू, देखो कॉस टू टी का माइनस साइन टू टी, ठीक है, इंटू टू इंटू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय देख लो क्या है, रूट अंडर कॉस टू टी का स्क्वायर, तो कॉस टू टी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसके अपॉन में क्या है 1, तो हम लोग इसको एलसीएम ले लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, देखो रूट से रूट क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस टू टी आ जाएगा, और ये 2 कहाँ लिख दिया जाए, चलो 2 को हम आगे लिख देते हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 ना, तो आप इसको 3 इंटू 2 ही रहने दो, और ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब पहले 2 लिख दो 2 साइन 2 टी इंटू क्या हो जाएगा साइन क्यू टी, और ध्यान दीजिए अब ये इसके साथ आ जाएगा टर्म, जब हमने एलसीएम ले लिया तो लिखेंगे 2 अंडर रूट कॉस 2 टी इंटू कॉस 2 टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर टी है ना, तो साइन टी 2 और कॉस टी को एक साथ लेंगे तो साइन 2 टी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखिए क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी ले लिए, यहाँ क्या बचा एक ठो साइन टी बचा, और क्या बचा कॉस तो ले लिए हैं इंटू कॉस टू टी बचा, अब प्लस देखो क्या बचेगा 2 साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी, और डिवाइडेड बाय देखिए क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखिएगा 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 3 इंटू साइन 2 टी और इंटू क्या हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस 2 टी, प्लस हो जाएगा बच्चों 2 साइन 2 टी इंटू साइन क्यू टी, डिवाइडेड बाय देखिए क्या है डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट कॉस 2 टी और इंटू हो जाएगा कॉस 2 टी। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डीएक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, अब देखो क्या करते हैं ऊपर में देखो साइन टू टी और यहाँ पे भी साइन टू टी है, तो एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो, तो साइन टू टी बाहर निकाल लिया, तो देखो अंदर में क्या बचेगा 3 साइन टी कॉस टू टी, 3 साइन टी इंटू कॉस टू टी, अब देखिए यहाँ पे प्लस है और प्लस है और इधर है साइन क्यू टी, ठीक, और अपॉन में देखो क्या है 2 अंडर रूट कॉस टू टी, 2 अंडर रूट कॉस टू टी इंटू हो जाएगा बच्चों कॉस टू टी।
ध्यान देंगे साइन टू टी। अब देखो यहां पे क्या करते हैं कि ये साइन के रिस्पेक्ट में, ये साइन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ये कॉस है तो कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन में, तो क्या हो जाएगा, थ्री साइन टी इंटू कॉस टी टू को, टू टी को लिख दो, ठीक है कॉस टू टी को लिख देते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, और देखो प्लस साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय देखिए क्या है टू अंडर रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी, ठीक है। अब देखिए साइन टू टी तो बाहर है, यहाँ पे देखो थ्री साइन टी इंटू वन थ्री साइन टी माइनस थ्री टू जर सिक्स साइन क्यू टी, अब प्लस है कितना, प्लस हो गया थ्री टू जर सिक्स साइन, कहीं पे कुछ मिस्टेक है देख लो, और यहाँ पे लग रहा है टू छूट गया है ना, हाँ टू यहाँ पे छूट गया है तो टू को लिखना पड़ेगा, तो टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा साइन टू टी, और ये देखो क्या है थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यू टी, थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय देखो टू अंडर रूट कॉस टू टी और इंटू हो जाएगा बच्चों कॉस टू टी। देखिए साइन टू टी इंटू ये फॉर्मूला पे हो गया थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, साइन थ्री थीटा होता है तो साइन थ्री टी डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी। बच्चों ये किसका मान निकला, डी एक्स बाय डी टी का। अब हमको इसी तरह क्या करना होगा ना, डीवाई बाई डी टी भी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टू टी इंटू साइन थ्री टी और डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट कॉस टू टी, ये हो जाएगा कॉस टू टी। अब देखो निकालते हैं डीवाई बाई डी टी, उसके बाद हम लोग डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, यहाँ पे डीएक्स बाई डी टी मैंने साइड में लिख दिया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो बच्चों अब हम लोग डीवाई बाई डी टी भी फाइंड करेंगे, फिर से समझिएगा, नाउ वाई बराबर देखिए दिया है कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए क्या होगा डीवाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय डी कॉस टी इंटू डी कॉस टी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है, इंटू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट कॉस टू टी, फिर माइनस माइनस मैं यहां पे लिख ले रहा हूं डी अंडर रूट कॉस टू टी किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, डी कॉस टू टी के रिस्पेक्ट में, और डी कॉस टू टी किसके रिस्पेक्ट में, डी टू टी के रिस्पेक्ट में, डी टू टी डी टी के रिस्पेक्ट में, इंटू हो जाएगा कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर होता है तो अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर। फिर देखो कॉस क्यू का कॉस क्यू टी का डिफ्रेंसिएशन थ्री कॉस स्क्वायर टी कॉस का माइनस साइन टी और इंटू अंडर रूट कॉस टू टी, फिर देखो माइनस कॉस रूट का वन बाय टू रूट कॉस टू टी हो जाएगा इसका, कॉस का फिर क्या होगा माइनस साइन टू टी इंटू टू इंटू कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय देखिए क्या है कॉस। अब देखो ये पूरा के बट्टा में क्या है वन, तो एलसीएम ले लेंगे इसको, तो एलसीएम लेंगे तो टू कॉस टू अंडर रूट कॉस टू टी, अब देखो ये थ्री इंटू ये टू ऊपर आ जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर टी, आगे देखो माइनस लग गया इंटू साइन टी इंटू देखो रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो गया तो कॉस टू टी मल्टीप्लाई होगा ना इसको इससे, तो टू तो मैंने पहले लिख दिया है और रूट कॉस इंटू रूट रूट चला गया माइनस माइनस प्लस साइन टू टी इंटू टू कॉस क्यू टी। अब देखो ये एलसीएम लेने के बाद ये इसके साथ आ जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कॉस टू टी, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे हम लोग टू कॉस टी साइन टी को अलग कर देंगे तो माइनस थ्री इंटू टू साइन टी इंटू कॉस टी को अलग कर दो तो बचा क्या, एक तो कॉस टी बचा
और क्या बचा, कॉस 2t बचा, और यहां देखो साइन 2t है इंटू कॉस 2 है ना, 2 भी है, 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t, डिवाइडेड बाय देखे क्या है, 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस। अब देखो क्या करते हैं, यहां पे हम लोग -3 लिखेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2t इंटू कॉस टी, और यहां पर देखो इंटू कॉस 2t इंटू कॉस 2t, फिर देखिए प्लस है 2 साइन 2t इंटू देखो कॉस क्यू टी है, कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय देखो 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, साइन 2t को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, -3 कॉस टी इंटू कॉस 2t, और इधर हो जाएगा 2 कॉस क्यू टी बटा 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है, ये डिवाइड बाई डी टी हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखो यहां पे फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये सब कॉस में है तो कॉस 2t को हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं 3 कॉस टी इंटू कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस 2t, नीचे देखो 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, साइन 2t इंटू -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -6 कॉस क्यूटी -- प्लस 3 कॉस टी प्लस हो जाएगा बच्चों 2 कॉस क्यूटी बट्टा क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, तो आप क्या करो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, देखो साइन 2t यहाँ पे हम लोग 2 में से 6 गया तो -4 कॉस 2t लिखेंगे और प्लस 3 कॉस टी हो जाएगा। अब हम माइनस कॉमन लेंगे सेकेंड स्टेप में, अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, अब देखो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो साइन 2t हो जाएगा, और देखो ये क्या हो जाएगा 4 कॉस 2t -3 कॉस टी, तो कॉस 3t ले लेते हैं बटा 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। अब देखो ये dy बाई dt भी निकल गया और dx बाई dt भी निकल गया। अब आप क्या करो इसमें इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो निकल जाएगा dy बाई dx, तो पहले नोट कर लीजिए, मैं इधर इरेज कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, समझने में आसान रहेगा, चलो गुड। अब बस यहीं पे बन जाएगा, इसलिए dy बाई dx बराबर देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dt में dx बाई dt से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो देखिए dy बाई dt क्या है, -sin 2t इंटू कॉस 3t डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2t और फिर कॉस 2t, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, साइन 2t और इंटू साइन 3t और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, देखो कॉस इससे ये पूरा गया, साइन से साइन गया तो कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो कॉट 3t आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से dy/dx निकाला जाता है। ओके, थैंक यू।